रेलवे ने पुल संख्या 38 निरंजन पुल के विस्तारीकरण कार्य के लिए 9 मई से कार्य समाप्ति तक 100 दिवस के लिए अस्थायी रूप से बंद किया है। ये पुल दिल्ली हावड़ा मुख्य मार्ग होने के साथ ही प्रयागराज को वाराणसी, लखनऊ के अलावा मुंबई, चेन्नई सहित संपूर्ण पूर्वी, दक्षिण एवं पश्चिम भारत से जोड़ने का कार्य करता है। शुक्रवार को अपर मंडल रेल प्रबंधक सामान्य संजय सिंह, मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय एवं उप मुख्य अभियंता निर्माण जेएस तापड़िया ने जानकारी देते हुए बताया कि निर्धारित समय से कम समय में कार्य करने का पूरा प्रयास जारी है। उन्होंने बताया कि इस रेल मार्ग पर निरंतर बढ़ते दबाव और प्रयागराज जंक्शन यार्ड के विस्तार के दृष्टिगत इस पुल के विस्तार की आवश्यकता काफी दिन से महसूस की जा रही थी। उन्होंने बताया कि इस पुल विभिन्न दिशाओं में जा रही अप एवं डाउन गाड़ियों और यार्ड शंटिंग को समाहित करते हुए लगभग 250 ट्रेनें गुजरती है। ये कहा जा सकता है कि इस पुल से प्रति 6 मिनट पर एक गाड़ी गुजर रही है। इसमें प्रतिष्ठित वंदे भारत, राजधानी और महत्वपूर्ण सामान का परिवहन करने वाली माल गाड़ियां शामिल हैं। इस पुल के विस्तारीकरण कार्य के अंतर्गत इसे 12.70 मीटर चौड़ा किया जाएगा। इस पर 2 नई लाइन बनेगी और इसके अलावा एक और भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप एक अतिरिक्त लाइन का मार्ग खाली रखा जाएगा। इन 2 नई लाइनों के निर्माण से प्रयागराज स्टेशन की प्रयागराज रामबाग के रास्ते वाराणसी एवं आगे की दिशा में वर्तमान एक लाइन के स्थान पर 2 लाइनों की कनेक्टिविटी हो जाएगी, जिससे गाड़ियों को जंक्शन पर समानांतर रूप से सीधे लेने एवं भेजने की सुविधा हो जाएगी। इसके अलावा एक अतिरिक्त शंटिंग लाइन मिलने से प्रयागराज जंक्शन यार्ड में होने वाला गाड़ियों का रिवर्सल सहित अन्य मूवमेंट भी सुचारू हो जाएगा और इससे प्रयाग के रास्ते लखनऊ को जोड़ने वाला मूवमेंट भी निर्बाध हो जाएगा। इससे आगामी कुंभ 2025 सहित भविष्य की आवश्यकताओं के लिए ट्रेनों की संख्या बढ़ाने में भी सहूलियत होगी। ये जो वाराणसी से इलाहाबाद रूट की डबलिंग हो रही है, उस डबलिंग का 90% कार्य पूरा हो चुका है और बनारस की ओर से झूंसी तक लगभग पहुंच चुकी है डबलिंग। अब झूंसी से प्रयागराज को कनेक्ट करने के लिए इस पुल के चौड़ीकरण की अति आवश्यकता थी। इसी को देखते हुए इस कार्य को लिया गया है, जिससे कि कुंभ मेला से पहले हम इस इलाहाबाद वाराणसी प्रयागराज वाराणसी रूट को डबल कर दें और कुंभ मेला के दौरान गाड़ियों के संचालन में हमें सुविधा हो। साथ ही जो गाड़ियाँ इधर लखनऊ और प्रयाग और इधर आपका फैजाबाद है और वाराणसी, इधर से जो गाड़ियाँ आती हैं उनको शंटिंग करने में, उनको इंजन रिवर्सल करने में या शंटिंग करने में दिक्कत होती है। इस पुल के आगे लाइन आ नहीं सकती थी, तो अब हम इस पुल के ऊपर से एक शंटिंग नेक भी ले आएंगे, शंटिंग लाइन भी ले आएंगे, जिससे कि गाड़ियों का आसानी से शंटिंग हो सके। और साथ ही हम इसमें फ्यूचर का भी, भविष्य का भी प्रोविजन कर रहे हैं, एक लाइन और इसमें बनाने की सुविधा रहेगी फ्यूचर में। इतना हम चौड़ा कर रहे हैं इस पुल को ताकि बार बार ब्लॉक ना लेना पड़े। सर, सबसे बड़ी समस्या चूंकि शंटिंग पूरे रोड पर रोक लिया गया है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी समस्या पैदल यात्रियों के लिए है, वो अपनी जान को खतरे में डालकर रेलवे लाइन को क्रॉस कर रहे हैं। इसमें एक बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है, इस दुर्घटना की रोकथाम के लिए कोई अतिरिक्त व्यवस्था की गई है? इसके लिए हमने देखिए RPF लगा रखा है, 2 RPF के जवान हमारे राउंड द क्लॉक रहते हैं और वो मना करते हैं क्रॉस करने से। मेरी भी पब्लिक से अपील है कि वो ट्रैक को क्रॉस ना करें, ये मेन रूट है दिल्ली हावड़ा का और इस पर लगातार गाड़ियां हैं, तो कभी भी दुर्घटना हो सकती है। तो पब्लिक को भी थोड़ा अवेयर होना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा और अपनी सुरक्षा के लिए, और हमने साथ में अपने जवान लगा रखे हैं और हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि कुछ और व्यवस्था करेंगे जिससे लोग क्रॉस ना करें। और अभी देख रहा हूँ कुछ पुल के नीचे से भी कुछ लोग क्रॉस कर रहे हैं, इसको हम पूरी तरह से बंद कर देंगे क्योंकि जब कार्य पूरी तरह से शुरू होगा तो सुरक्षा के लिहाज से ठीक नहीं है। CPRO ने बताया कि यह कार्य प्रयागराज यार्ड रिमॉडलिंग के अंतर्गत आता है। ये बड़े प्रोजेक्ट जिसकी लागत लगभग 9 करोड़ है का छोटा किंतु महत्वपूर्ण हिस्सा है और जिसमें लगभग 1 करोड़ के खर्च का अनुमान है। उन्होंने बताया कि रेलवे विभाग की ओर से सभी विभागों, जिला प्रशासन, जलकल विभाग, नगर निगम, विद्युत विभाग एवं BSNL के प्रतिनिधियों के साथ समन्वय स्थापित कर कार्य प्रारंभ किया गया है। इसके अतिरिक्त रेल प्रशासन का पूरा प्रयास है कि यह कार्य तय समय सीमा से पहले ही पूरा कर लिया जाए। इसके लिए उपलब्ध संसाधनों एवं मैनपावर को पुनर्नियोजित किया जा रहा है। यद्यपि इसमें सड़क का मार्ग अवश्य बाधित हुआ है, तथापि इससे बेहतर संपर्कता के कारण मिलने वाले भविष्य के फायदे नगर और क्षेत्र के लिए अगणित होंगे।